जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप एक नए फ़ोन लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट 20,000 है और आप अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि आप कौन सा फ़ोन लें, क्योंकि 20,000 के आसपास आपको बहुत सारे बेहतरीन फ़ोन्स देखने को मिल जाते हैं। उनमें से कुछ पांच चुनिंदा फ़ोन्स आज आपको इस वीडियो के थ्रू देखने को मिलेंगे, जिसे आप शायद पसंद भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम, आपका पूरा परिवार सुखी एवं स्वस्थ रहे इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, कुछ की हाईलाइट्स आपको इस वीडियो के बता देता हूँ कि जितने भी आज फोन आप इस वीडियो के थ्रू देखेंगे, सभी में आपको बेहतरीन कैमरा क्वालिटी और सभी में आपको एक अच्छा एक पावरफुल प्रोसेसर आपको इस फोन में सभी को देखने को मिल जाएगा, और सभी फोन में आपको ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बात कर लेते हैं लिस्ट के सबसे नंबर वन के फ़ोन की। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी कहीं हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जो लिस्ट के सबसे नंबर वन पर फ़ोन आता है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 70 प्रो। और दोस्तों, ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ आपको मिल जाएंगे, इसके फीचर्स के बारे में आगे बात करेंगे। और ये फ़ोन लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन है, आप इसके यूजर रेटिंग को भी देख सकते हैं। यूजर रेटिंग इस फ़ोन का काफ़ी बेहतरीन है, लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया है। आज आपको इसीलिए मेरे लिस्ट पर ये फ़ोन दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं लिस्ट के फर्स्ट नंबर फ़ोन के फीचर्स की। डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो ग्लास बैक आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, प्लास्टिक फ्रेम के साथ ही फ़ोन आपको मिल जाता है। 8mm इसका ओवरऑल साइज, 195 ग्राम इसका ओवरऑल वेट आपको देखने को मिलता है। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.7 इंचेस का फुल HD AMOLED डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, और डिस्प्ले साइज काफ़ी बड़ा है। 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। HDR10+ का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, और फ़ोन काफ़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ आपको मिलता है। 2000 का नेट स्पीक ब्राइटनेस आपको इस फोन में देखने को मिलता है दोस्तों। और इस फोन में आपको जो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 50MP का AI कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिलता है, और इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा का सपोर्ट आपको इस फोन में दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 16MP का आपको सेल्फी कैमरा इस फोन में देखने को मिल जाता है, और 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट 30fps तक का आपको इस फोन में दिया गया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है इस फोन के लिए, और आपको एक बेहतरीन कैमरा क्वालिटी का अनुभव ये फ़ोन कराने वाला है। रियलमी नार्जो 70 प्रो 5G जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, इस फोन में आपको गेमिंग के पर्पज़ से काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, और ओवरऑल ये फ़ोन आप गेमिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मीडियाटेक डेमसिटी 7050 का एक पावरफुल प्रोसेसर इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है। 69 बेस्ट और 6 लैक के आसपास आपको एंटूटी स्कोर इस फोन में देखने को मिल जाते हैं, और फ़ोन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ, और इस फोन का लुक काफ़ी बेहतरीन है। काफ़ी तगड़े लुक के साथ ये फ़ोन आपको मिलता है। 5000mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिल जाती है। 67W का फास्ट चार्जर आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। IP54 की रेटिंग आपको इस फोन में देखने को मिल जाती है। रेन वाटर स्मार्ट टच के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है। रियलमी UI 5.0 का वर्जन आपको इस फोन में देखने को मिलता है। 3.5mm का जेक आपको इस फोन में देखने को मिलता है। डुअल स्टूडियो स्पीकर्स, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, और अगर प्राइस की बात की जाए तो इस फोन में आपको 19,999 इसका प्राइस ओवरऑल वेट, और 21,999 आपको कुछ ऑफर्स के साथ ही फ़ोन 20,000 के अंदर आप इजीली बाय कर सकते हैं। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का एक पावरफुल प्रोसेसर आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। ये बात करते हैं लिस्ट के सेकेंड नंबर के फ़ोन की। और लिस्ट में आपको जो फ़ोन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सेकेंड और थर्ड दोनों फ़ोन के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। रियलमी P1 Pro 5G और पोको X6 5G। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोको की तरफ से, जो पोको X6 5G है दोस्तों, आपको ब्रांड पे नहीं जाना, ये फ़ोन आपको ओवरऑल फीचर्स काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाएंगे इस फ़ोन में। आइए बात करते हैं इस फ़ोन के कुछ और भी फीचर्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फ़ोन में आपको काफ़ी बेहतरीन कैमरा क्वालिटी मिल जा रहा है। कम्प्लीटली प्लास्टिक बैक आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। 7.98mm का ओवरऑल साइज और 187 ग्राम इसका ओवरऑल वेट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। 6.67 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले के साथ ही आपको फोन देखने को मिलता है। 12V विजन का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिलता है, जो कि इस फोन को काफ़ी अच्छा बनाता है। कॉर्नरिंग और गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट, 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है दोस्तों। और 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आपको ये फ़ोन मिलता है। 6.67 इंचेस का फुल HD AMOLED डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आपको मिल जाता है, और ये फ़ोन आप
काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। 64 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है, मेन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। वॉइस कैमरा सपोर्ट आपको इस फोन में दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी का आपको अनुभव कराने वाला है। 4K का 30 FPS तक का आपको इस फोन में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है इस फोन के लिए। और ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 2 का प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, पावरफुल प्रोसेसर है। 4nm बेस्ड ये प्रोसेसर है और 6 लेख का एंटूटी स्कोर आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। और गेमिंग के पर्पज से ये फ़ोन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 5100mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी, 67W का टर्बो चार्ज आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। 45 मिनट में आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। IP54 की सर्टिफिकेशन के साथ ये फ़ोन आपको मिलता है। हेडफोन जैक आपको इस फ़ोन में दिया गया है, 12 में उसका सपोर्ट, जो कि आपके फ़ोन के ऑडियो क्वालिटी को काफ़ी बेहतरीन करेगा। एंड्रॉयड 13 आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। 3 ईयर्स का मेजर अपडेट्स और 4 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स आपको इस फोन में देखने को मिलता है। अगर प्राइस की बात की जाए तो 18,999 का जो वेरियंट है और 12,256 का जो वेरियंट है, उसमें आपको कुछ ऑफर मिला के आप उसको परचेस कर सकते हैं 20,000 के अंदर ही। आइए बात करते हैं लिस्ट के जो 3rd नंबर का फ़ोन है, Realme P1 का, फीचर्स की। और फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है, 2 बेहतरीन कलर वेरिएंट के साथ ये फ़ोन आपको मिल जाता है। 120Hz का कर्व विजन डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। आइए बात करते हैं लिस्ट के 4th नंबर के फ़ोन की, जो कि है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord C4 Lite 5G। और फोन ओवरऑल काफी बेहतरीन आपको फीचर्स देखने को, और ये फोन आपको कई सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ देखने को मिल जाता है। OnePlus Nord C3 5G दो फोन आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे, आप दोनों को जो भी आपको सस्ता देखने को मिले आप उसे परचेस कर लो। OnePlus Nord C4 Lite 5G, OnePlus Nord C3 Lite 5G आपको दो फोन इस बजट में देखने को मिल जाते हैं। 6.67 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। 120Hz AMOLED डिस्प्ले आपको इस फोन में दिया गया है, जो कि काफ़ी स्मूथ आपको डिस्प्ले परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा इस फोन का। और अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 695 का एक 5G प्रोसेसर इस फोन में देखने को मिल जाता है। ऑक्सीजन का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस फोन में दिया गया है, जो कि कुछ कम है इस फोन के बजट के अनुरूप। और ये फ़ोन आपको कई सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ मिल जाता है। अगर आपका 20,000 का बजट रेंज है तो आप इसे चेक कर सकते हैं, ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। 50 मेगापिक्सल का आपको इस फ़ोन में कैमरा मिलता है, जो कि एक अच्छा कैमरा क्वालिटी का आपको अनुभव कराएगा। और 5500mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी और आपको काफ़ी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। AI Siri इन्हेंसमेंट के साथ, AI Noise रिडक्शन मेजियो के साथ आपको ये फ़ोन मिल जाता है। डुअल व्यू वीडियो मोड का भी सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। पोर्ट्रेट कैमरा का भी सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कैमरा फोन का काफ़ी अच्छा है। आगे बात कर लेते हैं इस फोन के कुछ और भी फीचर्स की, उससे पहले आपको इस फोन के प्राइस को बता देता हूँ। 19,999 इसका प्राइस है। आइए बात करते हैं लिस्ट के अगले नंबर के फोन के, जो कि है आइको की तरफ से IQ Z9 5G। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सा भी कहीं है हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीवो T3 5G हमारा एक और फ़ोन इस लिस्ट में आपको दिखाई देता है। फीचर्स काफ़ी दोनों के सेम है, मिलते जुलते हैं, आप किसी को भी परचेस कर सकते हैं, जो भी आपका चॉइस हो उस हिसाब से। और दोस्तों हम वीडियो ही में इसी मकसद से बनाते हैं, ताकि आप एक अच्छा और बेहतरीन फ़ोन खरीद सकें, जिसे आप लंबे समय तक बिना कोई रुकावट बिना कोई झंझट इस्तेमाल करें। क्योंकि पैसे तो आपके ही खर्च होने वाले हैं और हमारा दायित्व तो बनता है कि हम आपको अपने वीडियो के थ्रू एक बेहतरीन फ़ोन परचेस करवा सकें। 6.67 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। उसी के साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 120Hz का रिफ्रेश रेट इस फोन के स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए आपको काफ़ी फायदेमंद देखने को मिल जाएगा। और 1800 का नेट स्पीक ब्राइटनेस आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन सोनी का कैमरा आपको इस फोन में दिया गया है, जो कि OIS कैमरा है और काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी का आपको अनुभव कराने वाला है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट 30 FPS तक का आपको इस फोन में देखने को मिलता है। बैक एंड फ्रंट जो है आपको
बैक में आपको 4K और फ्रंट में आपको 180 पिक्सल्स का 1080 का आपको पिक्सल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 का एक पावरफुल प्रोसेसर इस फोन में देखने को मिल जाता है और 7 लाख के ऊपर आपको एंटूटी स्कोर इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। 60fps का गेमिंग आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। LPDDR4X का रैम, UFS 2.2 का स्टोरेज आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है और फोन ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपका 20,000 का बजट है तो आप इसे एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। अगर बैटरी की बात की जाए तो 5000mAh की पावरफुल मैसी बैटरी, 44W का चार्जर आपको इस फोन में दिया गया है जो कि काफ़ी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको अनुभव देखने को मिल जाएगा। 8 5G बैंड के साथ ये फोन आपको मिलता है। 2 ईयर्स का मेजर अपडेट आपको इस फोन में देखने को मिलता है। फ्रंट टच का ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 ईयर्स का आपको सिक्योरिटी अपडेट इस फोन में देखने को मिलता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ ये फोन आपको मिलता है जो कि इस फोन के ऑडियो क्वालिटी को काफ़ी इन्हेंस करता है और एक बेहतरीन कैमरा ऑडियो क्वालिटी वाला फोन बनाने में काफ़ी सहयोग करता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस फोन का प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।